हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 5। इस आध्यात्मिक ज्ञान को श्रवण एवं अध्ययन करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोहेष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहयम् ददाति स्वपरान्तिकम्। करारिविन्दे न करारिविन्दम् मुखारिविन्दे विनिवेशयन्तम् वस्य पत्रस् यपुकेशयन्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभां पीताम्बरधारुण बिम्बफलाधरोष्ठा पूरणेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृशात्परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। मूकं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं केशं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वंशाकल्पतरुभयस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्दा श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासुदी गौरभक्तवृन्दा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भागवत महापुराण की ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 5। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत गोस्वामी कहते हैं, एतन्नानावताराणां निधानं बीजमाव्ययम् यस्यांशांशेन सिद्ध्यन्ति देवतेयन्नरादय। 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 शब्दों का अर्थ देखिए, एतन एतन का मतलब होता है यह रूप, यानी कि जो भगवान का रूप है ना, द्वितीय रूप जो आया। अभी जो हमने भगवान के विष्णु अवतार के विषय में पढ़ा है, कारण दक्षा विष्णु, क्षीर दक्षा विष्णु और गर्भ दक्षा विष्णु, उन रूपों के विषय में बता रहे हैं कि एतन नाना अवताराणां, नाना मतलब बहुत बहुत, अवतारा मतलब अवतारों का, निधानम यानी स्रोत। अब इसी से दूसरे दूसरे अवतार उत्पन्न होंगे, यानी ये स्रोत बनेंगे। और बीजम अव्ययम, बीजम मतलब बीज, अव्ययम मतलब अविनाशी, अविनाशी बीज प्राप्त होगा इनसे, और फिर अलग अलग अवतार भगवान के आएंगे। यस्यांशांशेन, यस्य मतलब जिसका, अंश मतलब पूरा अंश, और अंशेन मतलब भिन्नांश, उसके अंश और अंशों के भी अंश, उनसे क्या होगा, सृज्यन्ते उत्पन्न होते हैं देव तेरिय नरादय। देव मतलब देवता, तेरिय मतलब पशु, नरादय नर आदि मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि सब उसके बाद, उसके अंशों के अंश से। अनुवाद देखिए, यह रूप यानी पुरुष का जो द्वितीय रूप है, ठीक है, पहला कौन सा है, कारण दक्षा विष्णु, उसके बाद गर्भो दक्षा विष्णु। गर्भो दक्षा विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, और ब्रह्मा जी से ही ब्रह्मांड उत्पन्न होने वाला है, उसके विषय में
आज ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के विषय में और उसके अंदर क्या क्या उसके विषय में बता रहे हैं सूत गोस्वामी। तो बोल रहे हैं यह रूप यानी पुरुष का द्वितीय रूप ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का उत्स तथा अविनाशी बीज है। वो जो भगवान का जो रूप है वो दूसरे दूसरे अवतारों जो भी ब्रह्मांड के अंदर होते हैं उनका बीज है। इसी रूप के कारण तथा अंशों से देवता मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीवियां उत्पन्न होती है। अब इसी रूप से आगे सृष्टि उत्पन्न होने वाली, अपनी सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई है। अभी हमने क्या पढ़ा, सिर्फ तीन पुरुष अवतार पढ़े हैं, कारण दर्शा विष्णु, मृदु दर्शा विष्णु और शिरो दर्शा विष्णु। उसके बाद सृष्टि की कैसे उत्पत्ति होती है वो आज बता रहे हैं कि इन्हीं से बीज प्रदान होता है और अलग अलग देवता अंश और उनके भी अंश उत्पन्न होते हैं जो पशु मानव इत्यादि है। ये जब हमने प्रथम चैप्टर पढ़ा था उसमें श्लोक नंबर 18 में ऋषियों ने सुत गोस्वामी से कहा था कथा क्या ही हरि दीमन अवतार कथा शुभा लीला वदिदत स्वयं ईश्वर आत्मया कि उन्होंने कहा था आप कृपा करके हमें भगवान के अवतारों की आध्यात्मिक लीलाओं के विषय में बताइए और ये जो लीलाएं हैं ये जो भगवान के विषय में जो भी मतलब भगवान का ये जो सृजन होता है वो सब अंतरंग शक्तियों के द्वारा होता है उनके विषय में हम जानना चाहते हैं। यानी कि भगवान ने जो जो अवतार लिए जो 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 कुछ भी किया है उसके विषय में जानना चाहते। तो ऐसा प्रश्न आता है कि भगवान को जान लो ना, भगवान के ये सारी डिटेल्स को जानने की क्या आवश्यकता है। तो इसका आंसर देते हैं ऋषिगण 19 में, चैप्टर नंबर 1 टेक्स्ट नंबर 19 में कहा वयं तो न वितृप्त्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यशवताम रसज्ञानाम साधु साधु पदे पदे कि हम कृष्ण के विस्तार की कथा सुनने से तृप्ति नहीं होते हैं और हमारे दिल करते यशवताम रसज्ञानाम साधु साधु पदे पदे। भगवान की हर कारीगरी को देखकर भगवान के हर कार्य को सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम और भी सुने और भी सुने और भी वयम तो न वितृप्त्याम कि भगवान के विषय में भगवान ने कैसे सृष्टि बनाई, हमारा कृष्ण है उसने क्या किया था और किस तरह से सब कुछ किया, ये सब कैसे किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, ये सुनने से हम तो तृप्त नहीं हो रहे हैं। सुना ही हमें हमें सुना ही हम सुनना चाहते हैं। तो इसी उनकी लालसा को देखते हुए आज सुत गोस्वामी उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह से भगवान ने जब इन तीन पुरुष अवतार के बाद सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार से की है। तो वो कहते हैं यह रूप ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का उत्स तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कारण तथा अंशों से देवता मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। श्री रूपा जी तात्पर्य में बहुत ही डिटेल से बताएंगे कि किस तरह से इस सृष्टि का स्टार्ट हुआ है, क्या क्या हुआ था शुरू में, वो सब हम श्री रूपा जी के द्वारा सुनेंगे। तात्पर्य श्री रूपा द्वारा श्री रूपाद की जय हो। श्री रूपा जी कहते हैं महातत्व में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर लेने के बाद यह पुरुष इन ब्रह्मांडों में प्रत्येक में द्वितीय पुरुष यानी गर्भोधक्षाय विष्णु के रूप में प्रविष्ट कर गए। अब पहले महातत्व था जो मैंने आपको बताया था कारण समुद्र जिसको विरजा नदी भी कहते हैं। अब नदी बहुत छोटा शब्द लगता है इसलिए ज्यादातर कारण इसको कहा जाता है क्योंकि बहुत विशाल है। अगर नदी भी है तो बहुत बहुत विशाल है और इसके अंदर कौन लेते हुए कारण दक्षाय विष्णु वो श्वास लेते हैं और असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है। अब असंख्य ब्रह्मांड तो सृष्टि हो गए, फिर वो सोच रहे अब ब्रह्मांडों सृष्टि खाली उनको सृष्टि करना है तो पर्याप्त नहीं है,
उसके अंदर सारे कार्य भी करने हैं, तो वो क्या करते हैं, यह पुरुष इन ब्रह्मांडों के प्रत्येक में द्वितीय पुरुष यानी गर्भोदशा विष्णु के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वहां पर जाके देखते हैं कि पूरा ब्रह्मांड अंधकार से भरा हुआ, यानी कि कुछ भी नहीं है उसके अंदर, सूर्य भी नहीं है, प्रकाश भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं है, एकदम खाली पड़ा, सन्नाटा। अंदर गए तो कुछ भी नहीं था। आगे पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं वहां पर उसने देखा कि ब्रह्मांड भर में अंधकार ही अंधकार तथा आकाश है, कुछ भी नहीं था। अब उन्होंने फिर क्या किया, देखा कि कहीं भी विश्राम करने का कोई स्थान नहीं है। फिर उन्होंने अपने पसीने के जल से आधे ब्रह्मांड को भर दिया और स्वयं उसी जल में लेट गए। अब वो जल जो है वो कारण दर्शाए विष्णु का पसीना, यानी अब उनके शरीर का जल है बहुत। अब आप सोचोगे पसीना तो एक एक बूंद निकलती है उससे कितना बड़ा, लेकिन पहले हमने पढ़ा वो कितना विराट है, मतलब उनका शरीर इतना विराट है जितना कि हम हमारी भौतिक अकल जाती नहीं है। पूरा कारण हमारे पास क्या है, सबसे बड़ा दिखने जैसी चीज क्या है संसार में, अगर सबसे बड़ी चीज आपको देखते हो तो क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी पूरी नहीं है ना, देखो बीच में कहीं खड्डे हैं, कहीं पर है ना समुद्र है, कहीं पहाड़ है, तो बैलेंस नहीं है। लेकिन अगर हम हमारी दृष्टि से देखते किसी चीज को तो सबसे विशाल चीज जो हमें दिखती है वो है आसमान, है ना। आसमान बहुत बड़ा है। अब वो आसमान से भी परे, मतलब समझो इसी से हम देखते विरजा नदी भी इतनी बड़ी है, सही है। वो जो विरजा नदी या कारण और समुद्र है, क्योंकि हमारी दृष्टि वो भौतिक है, तो उसी से अगर हम समझने का प्रयास करें तो इतना बड़ा जो है ना कारण और समुद्र है जितना आकाश है, और पूरे के पूरे आकाश में, पूरे के पूरे विरजा नदी में या कारण और समुद्र में कारण दर्शाए विष्णु लेटे हुए। हम हमारी बुद्धि काम नहीं करती कि उनका शरीर कितना बड़ा होगा। और फिर यहाँ पर तो ये भी कह दिया श्लोक नंबर 4 में, हमने बहुत ही विस्तार सुना उनके विषय में, पश्यन्ति रूपमादभ्रचक्षुषा सहस्रपादो रुभुजाननाद्भुतम् सहस्रमूढ श्रवणाक्षिनासिकम् सहस्रमौल्यम् भरकुंडलोलसत। तो इनकी तो अनेक अनेक नेत्र है, अनेकों नासिकाएं हैं, अनेकों आंखें हैं, बहुत कुछ है नेत्रों से। उस पुरुष के दिव्य रूप का हम इन भौतिक नेत्रों से नहीं दर्शन कर सकते, उनको समझ भी नहीं सकते, क्योंकि उनके हजारों जंगे पांव, उनके हजारों हाथ, उनके हजारों भुजाएं मुख, सब के सब अद्वितीय है। उस शरीर में हजारों सिर, हजारों आंखें, कान और नाक होते हैं, और वे हजारों मुकुटों तथा चमकते हुए कुंडलों से अलंकृत होते हैं और मालाओं से सजे हुए, इतनी विशाल है। तो उनके शरीर का पसीना कितना होगा वो भी हम नहीं समझ सकते। तो उन्होंने अपने शरीर के पसीने से क्या किया, जो ब्रह्मांड बनाया था वो बिल्कुल सूना पड़ा था, और उसने से आगे को भर दिया अपने शरीर के जल से, पसीने से ब्रह्मांड जी, और स्वयं उसी जल में लेट गए। फिर क्या बन गए, उसी का एक अंश जो है वो गर्भोदशाई रूप के रूप में उनके उस ब्रह्मांड के अंदर लेट गया। यह जल गर्भोदक कहलाता है। तब उसी नाभि से, उनकी नाभि से कमल नाल प्रकट हुआ और उस फूल की पंखड़ियों पर ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा का जन्म हुआ। उस पर कौन आए, कमल, अब उनकी नाभि से कमल नाल निकली और वहाँ पर जो पुष्प खिला यानी कमल, उस पर ब्रह्मांड के शिल्पी यानी कि जो सबसे बड़े इंजीनियर हैं ब्रह्मांड के, ब्रह्मा जी, उनका जन्म हुआ। जब ब्रह्मा जी वहाँ पर उत्पन्न हुए तो उन्होंने देखा मैं आया कि कैसे हूँ, उनको तो दिखा ही नहीं अपना स्रोत। तो वो कमल की नाल पकड़ के हजारों हजारों जन्मों तक नीचे आते गए, परंतु फिर भी उन्हें ना ये पता नहीं चला कि मेरा स्रोत क्या है। तब उन उस जल से जो अभी जो गर्भोदक जल है ना,
उसमें से एक आवाज आई तब तब, तो उसने क्या समझा, उन्होंने कहा कि अब मुझे आदेश हो रहा है कि तपस्या करनी। वो तपस्या का मतलब भी है क्योंकि अभी तक उनको तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय नहीं हुआ है, अभी तक सिर्फ उनको ये आदेश हुआ है, तो भी कृष्ण कृपा से या फिर भगवान की, क्योंकि भगवान सब जीवों के हृदय में होते हैं परमात्मा चैत्य गुरु के रूप में, तो फिर उन्होंने तपस्या की और इसके प्रभाव से उन्हें ये ज्ञान तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय भगवान ने, पहले तो भगवान ने उनको हृदय में ज्ञान दिया। ये सब विस्तार से हम पढ़ेंगे, ये तो हम ऐसे ही संक्षिप्त में, भगवान ये जो सूत्र गोस्वामी ने आज का श्लोक बताया ना वो बस ऐसे ही संक्षिप्त में बताया है, आगे इसी को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि अब उस फूल की पंखड़ियों से ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा का जन्म हुआ, ब्रह्मा ब्रह्मांड के शिल्पी हुए और भगवान ने विष्णु रूप में इस ब्रह्मांड के पालन का भार अपने ऊपर लिया। अब क्योंकि वो रजोगुण क्योंकि शिल्प है, शिल्पी है, इंजीनियर है, उनको काम करना है सृजन करना, तो वो रजोगुण से करेंगे, रजोगुण से वो ब्रह्मांड को सृजन तो कर सकते हैं लेकिन पालन करने के लिए सत्वगुण चाहिए, तो भगवान विष्णु ने, तो फिर भगवान ने विष्णु रूप में ब्रह्मांड के पालन का भार स्वयं अपने ऊपर लिया कि क्योंकि मुझे सत्वगुण में रहकर ब्रह्मांड का पालन करना होगा। आगे श्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्रकृति के रजोगुण से हुई और विष्णु सत्वगुण से स्वामी बने। विष्णु समस्त गुणों के परे होने के कारण भौतिक प्रभावों से सदा अलग रहते हैं, उसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है कि भगवान के ऊपर वो निर्गुण है, उनके क्यों निर्गुण है, क्योंकि वो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले है, भगवान सृष्टि की उत्पत्ति के बाद नहीं है, गुण तो सृष्टि की उत्पत्ति के बाद हुए, तो ये भगवान ने पहले ही बता दिया था ना फर्स्ट श्लोक में, तो फिर वो बोलने के शिवपाद जी बता रहे हैं कि इसकी व्याख्या पहले ही बताई गई है। ब्रह्मा जी से रुद्र उत्पन्न हुए और जो तमोगुण के स्वामी है, अब रुद्र उत्पन्न हुए जिनको शिव जी कहते हैं और वो किससे, तमोगुण। अब तमोगुण क्यों उत्पन्न किया गया, क्योंकि लय कराना है ना, अब सृष्टि उत्पन्न हो गई है तो कोई तो लय, अब जीव पैदा हो गए, खाली पैदा होते ही जाए होते ही जाए होते ही जाए, फिर कभी भी वो मरे नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होगा ना, उनको प्रलय करने के लिए, लय करने के लिए, उनको क्षीण करने के लिए, जैसे बढ़ाने के लिए यदि ना विष्णु भगवान उनको ना परवरिश करते है तो उनको क्षीण करने के लिए, लय करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, तो फिर शिव जी आते हैं, वे भगवान की इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। अतएव ये तीनों, अब तीन हो गए हमारे पास, कौन, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव, गर्भो दक्षिण विष्णु से ही के ही अवतार है, ये आय की दत्त है, गर्भो दक्षिण विष्णु के ही अवतार है। ब्रह्मा से, अब ब्रह्मा से क्या उत्पन्न हो रहे हैं ये सब संक्षिप्त में बताएंगे कि ब्रह्मा से दक्ष मरीचि मनु आदि ने अनेक देवता अवतरित हुए जिन्होंने जीव का जनन किया। अब ब्रह्मा से और भी बहुत सारे उत्पन्न हुए जैसे चार कुमार उत्पन्न हुए नारद जी, इन्होंने चूंकि जीवों का जनन नहीं किया तो यहाँ पर नाम उनका नहीं है। अभी जिन्होंने सिर्फ सृष्टि को बनाया है या सृष्टि की जो कार्यक्रम है उसमें जो सहयोग दिया उनका नाम लिया, किस किस का नाम लिया कि ब्रह्मा से दक्ष मरीचि मनु आदि अनेक देवता अवतरित हुए जिन्होंने जीवों का जनन किया। वेदों में इन गर्भो दक्षिण विष्णु की स्तुति गर्भ स्तुति के स्तोत्रों के रूप में की गई है जिनका प्रारंभ हजार शिरों आदि वाले भगवान के वर्णन से होता है। अब वेदों में गर्भ स्तुति है एक, जिसमें भगवान के जो अभी हमने विराट स्वरूप पढ़ा था ना उसके उनसे है ना इसकी इनकी स्तुति की जाती है। गर्भोदशा विष्णु ब्रह्मांड के स्वामी है और यद्यपि वे इस ब्रह्मांड के भीतर शयन करते हुए प्रतीत होते हैं किंतु वे सदैव दिव्य हैं। हमें, मैंने आपको बताया था ना कि गर्भोदशा विष्णु इसी संसार में है और ये गर्भोदक समुद्र जो है जो कि कारण दशा विष्णु के शरीर से जो शरीर के जल से जो समुद्र उत्पन्न हुआ है जिसको गर्भोदक सागर कहते हैं,
वो भी इसी संसार में, वो भले इसी ब्रह्मांड के लोक में है लेकिन फिर भी वो सदैव दिव्य है। वो इस भौतिक गुणों का उसके ऊपर असर नहीं होता। इसकी भी व्याख्या पहले ही बताई जा चुकी है। विष्णु जो कि गर्भोदशा विष्णु के पूर्ण अंश है, विश्व भर के जीवों के परमात्मा है। अब विष्णु वो परमात्मा के रूप में समस्त जीवों के हृदय में है और ब्रह्मांड के पालन करता या क्षीरोदशा विष्णु कहलाते हैं। ठीक है, वो विष्णु है, उनको क्षीरोदशा विष्णु भी कहते हैं और वो ब्रह्मांड के पालन करता है, उन्हीं से समस्त अवतार होते हैं और वो जीवों के हृदय में भी होते हैं। इस प्रकार आदि पुरुष के तीनों रूप जाने जाते हैं। इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हैं, वे उसी क्षीरोदशा विष्णु के रूप में उद्भूत हुए हैं। जितने भी अवतार हैं वो क्षीरोदशा विष्णु के विष्णु से ही आते हैं। ये भी पहले बताया जा चुका है, आगे की बात यहाँ पर श्लोकोपा जी बताएंगे कि विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न असंख्य अवतार रहते हैं किंतु इनमें से कुछ अत्यंत प्रमुख हैं। बहुत बहुत अवतार होते हैं भगवान, बहुत बहुत अवतार होते हैं, असंख्य अवतार लिखा। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर मुख्य मुख्य बताए जाते हैं जिनको 24 अवतार कहते हैं भगवान के, वहीं तक भगवान के अवतार लिमिटेड हो जाते हैं। भगवान असंख्य अवतार लेते हैं लेकिन यहाँ पर जो बताए जा रहे हैं वो अत्यंत प्रमुख है, बहुत ज्यादा मतलब अवतारों में सबसे श्रेष्ठ है। कौन से है? मत्स्य, कूर्म, वराह, राम, नरसिंह, वामन तथा अन्य। ये अवतार लीला अवतार कहते हैं, कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त अब ये लीला अवतार है क्यों? क्योंकि ये संसार में प्रकट होते हैं और कोई ना कोई लीला करते हैं। अब इसके अतिरिक्त गुणावतार भी होते हैं। गुणावतार कौन से होते हैं? जो तीन गुण के अवतार होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा यथा ब्रह्मा, कौन से गुण के हैं? रजोगुण के। विष्णु सत्वगुण के, या शिव तमोगुण के। रुद्र जो प्रकृति के विभिन्न गुणों के लिए उत्तरदायित्व है। और उसके आगे भगवान विष्णु भगवान से अभिन्न है। अब विष्णु जो है वो सेम भगवान ही है क्योंकि वो सत्वगुण में भी सत्वगुणों ने एक्सेप्ट किया है लेकिन वो साक्षात भगवान ही है। शिव जी भगवान तथा जीवों के बीच की स्थिति में है, यानी ईश तत्व भी है और विष्णु तत्व भी है। वो शिव जी जो है वो अलग से, इनको शिव तत्व कहा जाता है। वो ईश तत्व भी है और बीच के हैं मतलब। और ब्रह्मा सदैव जीव तत्व है। ब्रह्मा जो है वो प्रथम जीव है। ऐसा नहीं कि वो हमारे जैसे साधारण जीव है लेकिन फिर भी वो ईश तत्व में नहीं आते हैं। जिस सर्वोच्च पुण्य आत्मा या भगवत भक्त को भगवान द्वारा सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त है वे हैं ब्रह्मा जी। सर्वोच्च पुण्य आत्मा यानी कि सबसे ज्यादा जिसने पुण्य किए हैं वो हमारी तरह बद्ध जीव, वो जीव तत्व है लेकिन हमारी तरह भौतिक गुणों से आवृत नहीं है। वो रजोगुण में रहकर कार्य करते हैं लेकिन भगवान की सर्वोच्च भगवत भक्त है। उनको भगवान ने सबसे हाईएस्ट ड्यूटी प्रिस्क्राइब की है, क्या? सृष्टि का सृजन करने की। उनकी शक्ति सूर्य जैसी है जो मणि माणिकियों द्वारा प्रतिबिंबित होती है रहती है। जब ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करने वाला रहने के लायक कोई जीव नहीं रहता है तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर इस कार्यभार को ग्रहण करते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है, जैसे ब्रह्मा के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि 100 जन्मों तक वो वर्णाश्रम धर्म का जो पालन करते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो ब्रह्मा बनने के योग्य बनते, क्योंकि उनको सृजन करना है। जैसा हम ब्रह्मा जी है ना, उनको इस सृष्टि को सृजन करना है तो उनको एकदम परफेक्ट होना है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई जीव भी ऐसा नहीं मिलता है जो ब्रह्मा की पदवी संभाल सके, तो फिर भगवान स्वयं जो है वो ब्रह्मा का कार्य ब्रह्मा की पदवी संभालते हैं और इस कार्यभार यानी सृष्टि के सृजन को खुद अपने हाथों से करते हैं। और इसके बाद अभी है ना ये जो मनमंत्र चल रहा है उसके बाद एक मनमंत्र आएगा, उसमें हनुमान जी ब्रह्मा बनेंगे।
इसलिए यहाँ पहले ही बताया जा चुका है कि ब्रह्मा जी सर्वोच्च पुण्य आत्मा या सर्वोच्च भगवत भक्त जो है वो वही है, क्योंकि उनको भगवान जो भगवान के बहुत ही निकट के भक्त होते हैं उनको ही भगवान श्री कृष्ण ये सृष्टि की सृजन करने का कार्यभार संभालते हैं, कार्यभार सौंपते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं शिव जी कोई सामान्य जीव नहीं है, वे भगवान के पूर्ण अंश हैं, लेकिन प्रकृति के प्रत्यक्ष संसर्ग में रहते हैं, इसके कारण उन्हें विष्णु जैसा दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है, क्योंकि वो जैसे प्रकृति के संसर्ग में रहते हैं, उन्हें लय करना होता है तो फिर उन वो सत्वगुण में नहीं होते हैं, उनको तमोगुण एक्सेप्ट करना पड़ता है, इसलिए विष्णु जैसा दिव्य स्थान तो नहीं है उनका, लेकिन फिर भी वो सामान्य जीव नहीं है, वो शिव तत्व है। और शिव तत्व जो है और इसके अतिरिक्त उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, परम वैष्णव है, वैष्णवानाम यथा शंभु, तो फिर ये साधारण नहीं है। अब आगे उनके विषय में बहुत ही क्लियर बता रहे हैं, उनमें दूध तथा दही का सा अंतर है। जिस तरह से दही के अंदर दूध के सारे गुण होते हैं परंतु वो दूध का कार्य नहीं कर सकती है, उनमें दूध तथा दही का अंतर है, दही दूध ही है किंतु वो दूध के स्थान पर उपयोग में नहीं लाया जा सकता। तो ये ब्रह्मा विष्णु और महेश के विषय में यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने संक्षिप्त में बताया। अब इस संसार में और क्या क्या है, किस तरह से मन वंश हुए और संसार में कितना कितने योग है, क्या है, सब इसके विषय में बताएंगे, उसको हम थोड़ा सा गौर से सुनेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कि इसके बाद क्या हुआ, पहले क्या हुआ था, गर्भोदशा विष्णु से कारणदशा विष्णु से गर्भोदशा विष्णु हुए, गर्भोदशा विष्णु से क्षीरोदशा विष्णु हुए और ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जी से ये जो दक्ष इत्यादि जिन्होंने संसार की उत्पत्ति की वो हुए, और ब्रह्मा जी और शिव जी के विषय में भी और विष्णु के स्थिति के विषय में यहाँ पर शिवप्रभुपाद ने बताया। अब इसके बाद मनुओं के अवतार के विषय में बता रहे हैं, जो मनु होते हैं ना उनके विषय में बता रहे हैं शिवप्रभुपाद जी कह रहे हैं। इसके बाद मनुओं के अवतार आते हैं। ब्रह्मा के जीवन के एक दिन में हमारे 100 वर्षों के रूप में 43 लाख मल्टीप्लाई बाय 1000 यानी कि 43 लाख इंटू 1000 इतने वर्ष जब होते हैं ना हमारे सोलर सिस्टम के, इतने वर्ष हो जाते हैं उसमें ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और 14 मनु होते हैं, तो फिर एक दिन में ब्रह्मा जी के 14 मनु होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा की एक मास में 420 मनु होते हैं। ये आसान रहेगा ना, पहले 14 है उसके बाद 420 मनु है, याद करने में 420 शब्द है ना, कितने में, एक महीने में 420 मनु तथा ब्रह्मा के एक वर्ष में कितने हैं, 5040 मनु होते हैं। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है, अतः ब्रह्मा के जीवन में यानी कि पूरे ब्रह्मा जी के एक जीवन में 5040 मल्टीप्लाई बाय 100 या 504000 मनु होते हैं। ठीक है, 504000 मनु कितने में होते हैं, ब्रह्मा जी के पूरे आयु में। ब्रह्मांडों की संख्या अनंत है और उनमें प्रत्येक में एक ब्रह्मा होता है, और ये सब पुरुष के श्वास लेने जितने समय में उत्पन्न तथा विनष्ट हो जाते हैं, अतएव कल्पना की जा सकती है कि पुरुष के एक श्वास काल में कितने लाख मनु होते हैं, कल्पना ही नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती, क्योंकि एक ब्रह्मा जो है ना हमारे यहाँ जो हमारा जो ये सृष्टि है उसके ब्रह्मा के शास्त्र होते हैं। इसकी भी वजह बता दे शास्त्र, क्योंकि जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए ना तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ से आए हैं, तो क्या करते चारों दिशाओं में बहुत ही गोश देखने लगे, यानी चारों दिशाओं में प्रशिक्षण करने लगे कि मैं कहाँ हूँ, तो पहले उत्तर में देखा, पूरब में, पश्चिम में और दक्षिण में, चारों ओर देखा, तो उनके इस तरह से चार सिर उत्पन्न, क्योंकि बार बार देख रहे थे तो चार सिर उत्पन्न हो गए कि उनको अलग अलग दिशाओं में देखने के लिए गर्दन न घुमानी पड़े, हर साइड पर एक सिर था ताकि वो
क्योंकि उनको जानना था कि मैं किधर से आया हूँ, तो इतना तल्लीन हो गए थे, इतना जानने जाने की इच्छा हो गई थी कि उनके साहस से फिर प्रकट हो गए थे। बहरहाल यहाँ पर से ये बताया जा रहा है कि ब्रह्मांडों की असंख्य बहुत ही ब्रह्मांड है, कहाँ से आ रहे हैं वो उस पुरुष के कारण दर्शन विष्णु के रोम कूपों से असंख्य ब्रह्मांड जब वो श्वास लेते हैं तो आ रहे हैं, और श्वास लेने जितने समय में उत्पन्न होते हैं और फिर जब श्वास अंदर लेकर जाते हैं तो वे नष्ट हो जाते हैं। अतएव हम सोच भी नहीं सकते कि उनकी श्वास काल में कितने लाख मनु आते होंगे, मनु की तो कोई क्वांटिटी नहीं समझ में आती होगी। इस ब्रह्मांड के प्रमुख मनु इस प्रकार है, और ब्रह्मांड के मनु भी बहुत बहुत है, लेकिन यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी प्रमुख के विषय में बता रहे हैं। स्वयंभू मनु के रूप में यज्ञ, स्वारोचिष मनु के रूप में विभु, उत्तम मनु के रूप में सत्यसेन, तामस मनु के रूप में हरि, रायवत मनु के रूप में वैकुंठ, चाक्षुष मनु के रूप में अजित, वायवसत मनु के रूप में वामन, आधुनिक युग वायवसत मनु के अधीन है। अभी जो हमारा मनु चल रहा है वो वायवसत मनु है, और ये किसके हैं, वामन, उनके रूप में वामन, और सावर्णी मनु के रूप में सावर्ण भौम, दक्ष सावर्णी मनु के रूप में ऋषभ, और ब्रह्म सावर्णी मनु के रूप में विश्वक्सेन, धर्म सावर्णी मनु के रूप में धर्मसेत, और रुद्र सावर्णी मनु के रूप में सुधामा, देव सावर्णी मनु के रूप में योगेश्वर, और इंद्र सावर्णी मनु के रूप में बृहद भानु। ये 14 मनु एक समुचित नाम है, ये सब नाम है 14 मनुओं के, जो 4,30,00,000,000 वर्षों का काल पूरा करते हैं। 4,30,00,000,000 मतलब जो हमने शुरू में पढ़ा था ना कि मनुओं के अवतार के विषय में पढ़ा था कि ब्रह्मा के जीवन के एक दिन में यानी 45,00,000 मल्टीप्लाई 1,000, यानी कि जब 45,00,000 को 1,000 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 4,30,00,000,000 दिन होते वर्ष होते हैं। तो इतने टाइम में यानी कि ब्रह्मा जी के हमारे संसार में 4,30,00,000,000 जब गुजर जाते हैं ईयर्स, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उसमें एक मनु होता है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 14 मनुओं के एक समुचित नाम है जो 4,30,00,000,000 वर्ष का काल पूरा करते हैं। एक मनु इतना काल पूरा करता है। फिर युगावतार होते हैं, युगों के नाम है सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग। प्रत्येक युग के अवतारों का रंग भिन्न होता है। अब युग अवतार के विषय में बता रहे, पहले हमने बताया गुण अवतार के रूप में, गुण अवतार कौन से थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश। उसके बाद मनुओं के विषय में बताया कि मनु कौन कौन से होते हैं और कब आते हैं, और अब बता रहे हैं युग अवतार। 3-4 युग होते कौन से, सतयुग, त्रेता और द्वापर युग, कलयुग। और हर युग के जितने भी अवतार होते हैं उनके कलर भी अलग अलग होते हैं। ये रंग है श्वेत, लाल, काला तथा पीला। द्वापर में भगवान कृष्ण काले रंग में प्रकट होते हैं, और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु पीले रंग में प्रकट होते हैं, और बाकी 2 बजे ना लाल और व्हाइट, वो भी अभी हम पढ़ेंगे, सारा समझ में आ जाएगा आगे पता कि कौन कौन से युग में कौन कौन से आते हैं। इस प्रकार शास्त्रों में भगवान के समस्त अवतारों का उल्लेख मिलता है। किसी भी धूर्त के अवतार बनने की गुंजाइश नहीं है। श्री प्रभुपाद जी बोलते देखो शास्त्र में सब कुछ बताया गया है ना, तो फिर अलग से कोई खड़ा होकर किसी को भी हम बोले कि ये अवतार है भगवान का, तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई ये मतलब बोलता है कि ये शास्त्र ये भगवान का अवतार है, किसी भी बाबा को बोल दो, किसी भी है ना, ये जो आजकल तो कितने भगवान बनाए गए हैं, कितने हैं, हर किसी को खड़ा करके बोल देते हैं कि ये भगवान है, बस ये भगवान है, ये भगवान है, ऐसा कोई भगवान कैसे हो सकता है
जिसका शास्त्र में उल्लेख ही नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी इसलिए कह रहे हैं कि भगवान की कसौटी पहले से भगवान की कसौटी पर पाथी रात पहले ही बता दिया गया कि वो ब्रह्म वो जो भगवान है वो क्या होने चाहिए, विराट होने चाहिए, है ना। उसके अंदर विराट स्वरूप दिखाने की शक्ति भगवान श्री कृष्ण भले वो दिखते थे छोटे से बच्चे, वो भागते थे यशोदा मैया की छड़ी से बहकर, लेकिन जब जब विराट रूप दिखाने की आवश्यकता पड़ी उन्होंने दिखाया। कभी माँ यशोदा को अपने मुख में दिखाया, तो कभी दुर्योधन को राजसभा में दिखाया, तो कभी अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिखाया। तो यदि कोई ये कहता है या दावा करता है कि मैं भगवान का स्वरूप हूँ, या कोई किसी को बोलता है कि ये भगवान के स्वरूप है, तो उनको इस कसौटी पर पूरा उतरना पड़ेगा। अन्यथा किसी भी धूर्त की भगवान बनने की कोई गुंजाइश नहीं। श्री रूपा जी यहाँ पर हमें बता रहे, सावधान कर रहे हैं कि हमें भगवान को समझना है। किसी को भी हम भगवान नहीं बना सकते, क्योंकि अवतार का उल्लेख शास्त्रों में रहता है। कोई भी अवतार अपने को ईश्वर का अवतार घोषित नहीं करता, अपितु ऋषिगण शास्त्रों में उल्लिखित लक्षणों के आधार पर उसे स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कोई कोई अवतार आके खड़ा हो जाता है और बोलता है मैं अवतार हूँ, या फिर उसके जो सारे ना चार पांच उसने जो भी मतलब अनुयायी किए होंगे वो कह देते कि ये भगवान है भगवान, ऐसा थोड़ा होता है। ऋषियों ने शास्त्रों में जो उल्लेखित लक्षण है उनके आधार पर स्वीकार किया कि ये भगवान है। शास्त्रों में अवतार के लक्षणों तथा उसके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष संदेश यानी कार्य का उल्लेख मिलता है। हर अवतार अभी ऐसा नहीं जो अवतार हो गए सिर्फ उनके विषय में होगा, शास्त्रों में जो होने वाले उनके विषय में भी होगा। तो यदि हम किसी को ऐसे किसी को अवतार मानकर उसकी भक्ति करेंगे तो हम कभी भी अपने जीवन के लक्ष्य पर नहीं पहुंचेंगे। इसकी शास्त्र चक्षु को एक्सेप्ट करना, भगवान ने बुद्धि दी है, इसके जरिए से हमें गुरु साधु और शास्त्र के वचनों को ग्रहण करना होगा, बुद्धि को इसलिए यूज करना होगा ताकि हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ऐसे ही किसी गधे की कब्र बना कर है ना उसके ऊपर चार फूल रख दिए और कहा गया कि ये भगवान है या ये मकबरा है इसकी आप है ना पूजा करो, तो हम ऐसे कैसे मान सकते हैं। हमें शास्त्रों के आधार पर ये जानना है कि कौन भगवान के अवतार है, क्या भगवान है, कौन सी भगवान की लीला है। तो यहाँ पर श्री गोपाल जी हमें सावधान कर रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष अवतारों के अतिरिक्त असंख्य शक्ति आवेश अवतार होते हैं। अब ये तो प्रत्यक्ष अवतार है जिनके विषय में अभी बता, अभी बहुत सारे शक्ति आवेश अवतार भी हैं, उनका भी शास्त्रों में उल्लेख बताया गया। ऐसे अवतारों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से शक्ति प्राप्त होती है। वो शक्ति उनको ऐसी प्राप्त होती है कि वो कोई कार्य करते हैं, जब उन्हें प्रत्यक्ष शक्ति मिलती रहती है तो वो अवतार कहलाते हैं, किंतु अप्रत्यक्ष शक्ति मिलती रहती है उस पर वे विभूतियां कहलाते हैं। प्रत्यक्ष शक्ति आवेश अवतारों में कुमारगण, नारद, पृथु, शेष, अनंत आदि हैं। जहाँ तक अब ये शक्ति आवेश अवतार के विषय में बता रहे हैं कि कौन कौन से कुमार जो चार कुमार अवतार हैं, नारद हैं, पृथु हैं, शेष जी जो हैं, अनंत शेष जिसको कहा जाता है जो पृथ्वी का बाहर उठाते वो है, और जहाँ तक विभूतियों का संबंध है उनका स्पष्ट वर्णन श्रीमद् भगवद गीता विभूति योग अध्याय में हुआ। विभूति योग कौन सा, दसवां अध्याय, उसमें विस्तार से भगवान की विभूतियों के विषय में बताया गया। ऐसे समस्त प्रकार के अवतारों के उत्स गर्भोदशा विष्णु है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। इस एक श्लोक में सूत्र गोस्वामी ने सब कुछ बता दिया, सिर्फ एक श्लोक में क्या कहा, एतन्नानावताराणां निधानं बीजमाव्ययम्। कि एतन्नानावताराणां इसी से, यानी कि जो अभी हम गर्भोदशा विष्णु के विषय में पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो क्षीरोदशा विष्णु है, ये सारे अवतार उन्हीं से निकले और उनका बीज उन्होंने प्रथम पृष्ठ में उनको दिया। यानी इस तरह से सृष्टि किस तरह से सृजन हुई है, उसके बाद है ना ब्रह्मा विष्णु महेश आए और फिर अलग अलग अवतार आए, ब्रह्मा जी से जो उत्पन्न कर जिन्होंने उत्पत्ति की थी उनकी सहायता की, जैसे दक्ष और मरीचि मनु इत्यादि उत्पन्न हुए। उसके बाद मनवंत्र के विषय में बताया कि एक मनवंत्र में
कितने मनु होते हैं, कौन कौन से मनु होते हैं, उसके बाद युग अवतार के विषय में बताया कि त्रेता युग में कौन कौन से होते हैं, त्रेता द्वापर और कलयुग और सतयुग के विषय में बताया। उसके बाद बताया कि और भी बहुत सारे शक्तियां इस अवतार होते हैं और वो उनको भगवान शक्ति प्रदान करते हैं, और दूसरे गुणा अवतार होते हैं, शक्तियाविश अवतार होते हैं, युग अवतार होते हैं, इन सब के विषय में बताया सब उपाय में बहुत ही डिटेल से। और आगे है यश्यान संचयन सृजंती देवतिर्यन महारिषि, और उनके अंश के अंश से देवता और मनुष्य पशु इत्यादि सब उत्पन्न होते हैं। तो ये सब कुछ इसी एक श्लोक में बता दिया, लेकिन इतना संक्षिप्त में सृष्टि की रचना समझ में आने वाली नहीं है, इसके लिए तो डिटेल से बताना पड़ेगा ना कि क्या हुआ। तो ऋषियों ने सोचा होगा कि सूत गोस्वामी जी ने देखा होगा कि कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या था, ये तो कुछ समझ में नहीं आया, हमें तो बहुत ही विस्तार से सुनना था, हम तो कितना टाइम के लिए छुट्टी लेकर आए, आपने एक ही जुमले में सब कुछ बता दिया। ऐसे नहीं, आप इसको थोड़ा विस्तार से बताइए। तो सूत जी कहते हैं ये तो मैंने खाली ट्रेलर दिया है, अभी तो पूरा मैं विस्तार से बताऊंगा। तो ये श्रीमद् भागवतम में हर चीज बहुत डिटेल से है, कौन से लोग कहाँ पर हैं, किन लोगों में क्या क्या है, अवतार कैसे होते हैं, कौन से अवतार, हर चीज बहुत ही डिटेल से है। हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे तो सब कुछ बहुत ही सुंदर रीति से हमें समझ आएगा। हमें सिर्फ अपने हृदय में एक इच्छा रखनी है कि हम भगवान के विषय में सुनना चाहते हैं। जितनी तीव्र हमारी इच्छा होगी उतनी ही सुंदरता से हमें भगवान की विभूतियों के विषय में, भगवान के अवतारों के विषय में, भगवान के समस्त कार्यकलापों के विषय में ज्ञान प्राप्त होता जाएगा। जितनी इच्छा होगी ना, हमें अपनी इच्छा को बनाए रखना है बस, तो हर चीज को बहुत ही डिटेल से हमें पढ़ने को मिलेगा। ये सब इसलिए है क्योंकि हृदय में सदैव ये एक जिज्ञासा रहती है कि मेरा कृष्ण है वो कैसे करता है ये सब कुछ, किस तरह से उसने किया ये, और ये जिज्ञासा कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना ज्ञान प्राप्त करना कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये मुझे सब पता चल गया, नहीं, मैं और सुनना चाहता हूँ, मैं और सुनना चाहता हूँ, मैं भगवान के विषय में सुनने से कभी भी तृप्त नहीं हो रहा हूँ। वयम तो न वितृप्यामि उत्तम श्लोक विक्रम है, ये क्षमताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, मैं और भी सुनना चाहता हूँ, एक एक शब्द को बहुत विस्तार से सुनना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा कृष्ण ये सब कैसे करता है। ये लालसा हृदय में बनी रहे ना, ये लालसा सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे हृदय की। जिस दिन हृदय में कथा श्रवण करने की लालसा समाप्त हो जाए ना, तो समझो अब जीवन निरस हो गया, श्रम एवं ही केवल। तो ये जो कथा सुनने की लालसा है ना हृदय में कि हम और भगवान के विषय में सुनते हैं, बहुत बड़ा बहुत बहुत पुण्यों के प्रभावों से प्राप्त होता है। जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, शुश्रूषु तत्क्षण, ये सब ये जो कृति भी शब्द है ना, कि ये भगवान के विषय में सुनने की लालसा किसी साधारण व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न हो नहीं सकती है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब स्टार्ट में श्रीमद् भागवतम की ये सब चीजें पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आती, उनको ऐसा लगता है कि ये मेरे दिमाग में आएगा ही नहीं, तो फिर आगे तक उनकी रसाई होती नहीं है। लेकिन जब हम शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से सुनते हैं और सुनने की लालसा जब तक बनी रही है, तो समझो हमारी कृति भी यानी कि पवित्र कोई कार्य है, हमने इतनी कोई पवित्र कार्य किए हैं यानी कि गुरु आज्ञा का पालन किया है, गुरु महाराज को प्रसन्न किया है, कृष्ण की सेवा की, जिसकी वजह से हृदय के अंदर ये भागवत श्रवण करने की कामना जागृत होती है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा।